दोस्तों भारत का स्वदेशी IMRH हेलीकॉप्टर जल्द ही उड़ान भर सकता है, क्योंकि दोस्तों HAL के IMRH हेलीकॉप्टर को जल्द ही CCS से मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों खबर को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों HAL ने IMRH हेलीकॉप्टर की DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा कर लिया है और जल्द ही मतलब अगले महीने में CCS से मंजूरी मिलने की संभावना है, और मंजूरी मिलने के बाद IMRH की पहली उड़ान 2027 में निर्धारित की गई है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। दोस्तों अगली खबर के अनुसार अर्जेंटीना बेस एक न्यूज वेबसाइट में रिपोर्ट किया गया है कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ 20 LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंस्टेंट साइन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि लेटर ऑफ इंस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसे प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि खरीदार हथियार खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर रहा है और सभी प्रकार की संतुष्टि हो जाने के बाद अंत में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जिसके बाद हथियार को खरीदार को बेचा जाएगा। साथ ही दोस्तों एक खबर में रिपोर्ट किया गया है कि अर्जेंटीना LCS तेजस फाइटर जेट को ब्रिटिश कंपोनेंट के साथ स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर रिपोर्ट किया गया है कि अर्जेंटीना एयरफोर्स के पायलटों ने LCS तेजस फाइटर जेट को दो बार उड़ाया है, जो एयरक्राफ्ट की क्षमता पर अर्जेंटीना की रुचि को दर्शाता है। दोस्तों आप सभी के दोनों खबर पर क्या विचार है कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।